नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश कमोडिटी विशेष में। कमोडिटी विशेष में आज हम बात करने वाले हैं मसाला इंडस्ट्री के लिए डेरिवेटिव टूल्स वायदा बाजार की कितनी अहमियत है, क्योंकि किसी भी मार्केट में जब आप कारोबार करने जाते हैं तो कई तरह के रिस्क होते हैं, और उसमें सबसे बड़ा रिस्क होता है प्राइस का रिस्क, क्योंकि भाव में किसी भी तरफ के उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। ऐसे में उस रिस्क को आप कैसे कम कर सकते हैं, आपको किस तरह से रणनीति बनानी चाहिए, ये उपाय वायदा बाजार के प्लेटफॉर्म के जरिए, डेरिवेटिव टूल्स के जरिए आपके पास मौजूद रहते हैं। ज़रूरत है उस टूल्स को समझने की, उसको लेकर जागरूकता बढ़ाने की, ताकि इसका दायरा बढ़े और लोग अपने कारोबार को बेहतर बना सकें, अपने मार्जिन को बनाए रख सकें। इन तमाम मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ तीन खास मेहमान हैं। भास्कर शाह हैं, डायरेक्टर हैं जैब्स इंटरनेशनल के। किशोर शाह हैं, डायरेक्टर हैं मीट ट्रेडर्स के, एक्सपोर्टर इंपोर्टर भी हैं मसाला के। और अरुण यादव हैं, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और प्रोडक्ट हेड है NCDX से। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, लेकिन वायदा बाज़ार के फ़ायदे के बारे में सबसे पहले आपको बता दूँ, उस सबसे पहले आगे बढ़े। सबसे पहले अगर वायदा के फ़ायदे की अगर बात करें, तो सबसे पहले ज़्यादा जो फ़ायदा है उसमें आपको प्राइस डिस्कवरी यहाँ पर मिल जाती है। साथ ही बेंचमार्क एक भाव आपको रेफरेंस के तौर पर एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म के जरिए आपको मिलता है। साथ ही आप कीमतों में उतार चढ़ाव के जोखिम को डेरिवेटिव टूल्स के जरिए कम कर सकते हैं। तो रिस्क मैनेजमेंट के लिए आपके पास बढ़िया विकल्प यहाँ पर मौजूद है। और जैसा पहले भी हमने कहा कि कारोबार में जो भी मार्जिन है उसे इंटैक्ट करने के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है, और भविष्य के भाव को आप लॉक आज की तारीख में ही कर सकते हैं। आप किसान हैं, आपको लग रहा है कि भविष्य में आप बेहतर भाव मिलेगा, अभी आवक का समय है, उस समय हम बेचेंगे, तो आप यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। अगर हाजिर में दाम बढ़ गए तो आपके जो स्टॉक हाजिर में है उसका फ़ायदा हो जाएगा, और जो नुकसान यहाँ पर वायदा बाज़ार के जरिए होगा उसकी भरपाई उससे हो जाएगी। वहीं अगर आपको भविष्य में, आप कारोबारी हैं, आपको लगता है कि भविष्य में हमें माल खरीदना है और दाम बढ़ गए तो क्या होगा, वो रिस्क हमेशा बना रहता है, तो आप लॉन्ग पोजिशन बना ले। भाव गिर गए तो हाजिर से आपको फ़ायदा हो जाएगा, और अगर नहीं गिरे, नहीं बढ़ गए, तो फिर आप वायदा बाजार के जरिए कमाई कर लेंगे। तो ये पूरा रिस्क जो मैनेजमेंट है ये आप यहाँ से कर सकते हैं। चलिए, इसी मुद्दे पर आज बात करेंगे, और हमारा फोकस मसाला इंडस्ट्री पर खास तौर से होगा। सबसे पहले किशोर शाह, आपके पास हम आएंगे। आप मसाला कारोबार से काफ़ी लंबे समय से जुड़े हैं, और देश के सबसे बड़े मसाला मंडी में आप कारोबार भी करते हैं, ऊंझा से आते हैं। आप अगर किसी कारोबारी को अगर मसालों के जो रिस्क हैं उस रिस्क को अगर मिटिगेट करना है, कम करना है, तो वायदा बाजार कितना बड़ा टूल उनके लिए प्रोवाइड करता है? बाजार के अंदर सब ये आज से नहीं, 17 साल से ये मैं खुद भी ट्रेड कर रहा हूं, और वायदा बाजार का जहां तक सवाल है सर, तो इसमें अपन ये बोलते हैं मैनिपुलेट हो गया, सट्टाबाजी हो गई, बाजार उसके हिसाब से ऊपर नीचे चलता है, ऐसा कुछ भी नहीं है सर। आज आप कोई भी कारोबार, ठीक है सट्टे, ये तो अभी 17 साल से वायदा चल रहा है, उसके पहले भी और आज की तारीख में भी जो भी व्यापार होते हैं फॉरवर्ड में, जैसे एक्सपोर्ट के व्यापार हो गए, चाहे कोई भी कमोडिटी को, तो वो भी फॉरवर्ड में व्यापार तो होते हैं, उसको भी अपन सट्टा नहीं कह सकते। ये सब क्रॉप के ऊपर डिपेंड रहता है कि आने वाली यदि फसल ज्यादा है तो उसके हिसाब से लोग फॉरवर्ड में पहले माल भेज देते हैं, चाहे फॉरन में हो, इंडिया में हो। अब उसका नाम क्या है, एनसीडीएस के अंदर उसको बोला सट्टेबाजी बोल दिया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। बाजार जो चलता है एक्चुअली फंडामेंटल से ही चलता है, मेन काम तो फंडामेंटल का ही होता है, उसके हिसाब से भी सट्टा चलता है। अगर इसमें क्या, यदि कोई किसी की ज्यादा बिकवाली हो गई हो तो वापस बाइंग होती है तो बाजार में सर्किट अपके लग जाते हैं, यदि किसी की बिकवाली हो तो सर्किट नीचे के भी लग जाते हैं। ये सब बातें होती है, ये सब एनसीडीएस में अंदर होती है बातें, और अपन करते रहते हैं, इसका कोई महत्व नहीं है। मेन जो बाजार चलता है फंडामेंटल के हिसाब से चलता है, और आगे भी यही चलेगा, फंडामेंटल के हिसाब से ही तेजी मंदी आती रहती है। बाजार मेन काम करता है डिमांड और सप्लाई का, जिसमें ज्यादा गैप होता है उसी तरह बाजार चलता है। जो वायदा बाजार है ना, ये आपको समझना पड़ेगा कि स्पेकुलेटिव टूल्स नहीं है, ये आपके हेजिंग का एक टूल्स है, जिसका इस्तेमाल आपको अपने कारोबार को मजबूती देने में करना होगा, ये आपको समझना पड़ेगा। अब तक जो ट्रस्ट डेफिसिट की कमी है लोगों में, क्योंकि इसको स्पेकुलेशन के तौर पर इसको बढ़ावा दिया जाए सिर्फ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के तरीके, लेकिन जब वायदा बाजार की शुरुआत हुई थी इसका मकसद ही यही था कि इसे हेजिंग प्लेटफॉर्म के तौर पर इसका इस्तेमाल करें, बेहतर प्राइस डिस्कवरी के लिए इसका इस्तेमाल किया जाए, प्राइस रेफरेंस के तौर पर बेंचमार्किंग के लिए इसका इस्तेमाल किया जाए, उस मकसद के साथ इसे शुरू किया जाए, ये अपना समझना जरूरी है। अब मसाला इंडस्ट्री की हम बात कर रहे हैं, तो हमारे साथ अरुण जी भी हैं, प्रोडक्ट हेड भी हैं। अरुण जी,
कौन कौन से ऐसे टूल्स है वायदा बाजार के प्लेटफॉर्म पर, एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पर, जिसका इस्तेमाल कारोबारी भी और किसान भी कर सकते हैं, वो अपने रिस्क को कम करें उसके जरिए? नमस्कार विश्वमोहन जी, और आई थिंक जो आपने प्रश्न पूछा है काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और इससे पहले जो किशोर जी ने भी बताया, तो अक्सर क्या होता है, देखिए अगर हम कमोडिटी बिजनेस को ओवरऑल समझे तो जो कमोडिटी बिजनेस है वो बहुत ही थिन मार्जिन का बिजनेस है, यानी कि कम उसके अंदर जो है आपके मार्जिन होते हैं। तो यदि थोड़ा बहुत भी बाजार में उठा पटक होती है तो उसके वजह से हमारे मार्जिन हिट होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो वहां पे वायदा बाजार आपको एक तरीके से हम कह सकते हैं कि आपके जिसे कहेंगे कि हम आपके जो मार्जिन से उसको प्रोटेक्ट करने के काम आता है। अब अगर मैं टूल्स की बात करूं तो दो प्रकार के टूल्स वायदा बाजार में आज की तारीख में है, जिसे एक को हम कहते हैं फ्यूचर, यानी कि वायदा जो है वो 2003 से यहाँ पे इंडिया में परमिटेड है, इंडिया में चल रहा है। उसके अलावा जो दूसरा इंस्ट्रूमेंट जो अभी हाल फिलहाल में शुरू हुआ है लगभग 4 साल पहले, उसका नाम है ऑप्शंस। तो ये दोनों ही इंस्ट्रूमेंट जो है, वायदा और ऑप्शंस जो है, दोनों आज की डेट में वायदे बाजार में या फ्यूचर्स मार्केट में आपको ट्रेड के लिए अवेलेबल है। अब जो महत्वपूर्ण चीज है वो ये है कि किस प्रकार से मैं उसका इस्तेमाल करता हूं। तो देखिए बाजार में जो जितने भी तरीके के लोग हैं, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि उनका रिस्क क्या है। अगर मैं बात करूं तो दो तरीके के लोग हैं बाजार में। एक वो लोग हैं जिनके पास में माल है या माल आने वाला है, जैसे किसान हो गए या कोई ट्रेडर हो गया जिसने स्टॉक कर रखा है। दूसरा आदमी वो है जिसको माल चाहिए, यानी जैसे प्रोसेसर हो गए जिनको हर महीने कोई ना कोई माल की आवश्यकता है, उनको चीज वो मटेरियल चाहिए ताकि वो प्रोसेस करके उसको बेच सकें, एक्सपोर्टर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं। ये दोनों जो इंडस्ट्री है उनका रिस्क जो है वो डिफरेंट है। जो जिसके पास माल है उसका रिस्क ये है कि जो उसके पास में मटेरियल है या माल आने वाला है, कहीं उसका भाव नीचे ना चला जाए, उसका प्राइस गिर ना जाए। और जो बायर है या जिसको माल चाहिए, उसके लिए रिस्क ये है कि जो चीज उसको खरीदनी है उसका भाव कहीं उसके खरीदने के समय तक ऊपर ना चला जाए। तो ये जो दोनों प्लेयर्स हैं, इनको एक तरीके से रिस्क मैनेजमेंट प्रोवाइड करने का काम जो है वो वायदा बाजार करता है। जो फार्मर है, जो किसान है, जिसकी फसल आने वाली है, वो फसल आने से पहले अपनी उपज को यहाँ पर बेच सकता है। एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं तो यदि हमने ये देखा है कि अक्सर ऐसा होता है कि जिस भी फसल का प्रोडक्शन अधिक होता है या जिसके भाव ऊंचे होते हैं, राधर मैं ये बोलूं, तो अगले सीजन में उसकी क्रॉप सोइंग जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जैसा हमने इस बार जीरा में देखा, आई थिंक जीरा की सोइंग जो है ऑलमोस्ट जो आंकड़े आ रहे हैं उसमें काफी लगभग दुगने के आसपास गुजरात में दिखाई दे रही है अभी। तो वैसे में किसान अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करे, तो जैसे मैं जीरे की बात करके एग्जाम्पल लेके आगे बढ़ाता हूं, तो जीरे का जो हमारा वायदा मार्च का, यानी मार्च जब सीजन शुरू होगा, उसका वायदा जब खुला था आज से 2 महीने पहले, तो वो लगभग 36,000 के भाव पे खुला था। यानी कि कोई भी किसान, कोई भी प्रोड्यूसर यदि चाहता तो अपने 36,000 के भाव को उस दिन वो ट्रेड करके लॉक कर सकता था। अब फसल के टाइम पे यदि भाव गिर भी जाए तो अभी उसको मिनिमम गारंटी है कि भाई उसको 36,000 रुपए तो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ये एक रोल है जो वायदा जो है वो बहुत बड़ा अदा करता है बायर और सेलर दोनों के रिस्क को प्रोटेक्ट करने के लिए। बायर और सेलर जो जिनको भविष्य में खरीदना भी है, उनको डर ये लगा रहता है कि भविष्य में दाम कहां पर चले जाएंगे, ऐसे में बेहतर है कि एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे हेज कर ले, एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे वो लॉन्ग पोजीशन ले ले, भाव गिर गया आपको खरीदना है तो गिर गया भाव तो अच्छा है, बेहतर भाव में आपको सस्ते भाव में मिल गया तो, लेकिन गिर गया तो आपको अगर लॉन्ग पोजीशन है तो आपको नुकसान हो रहा है, तो सस्ते में जो माल मिल रहा है उससे भरपाई हो जाएगी। अगर आप किसान हैं, आपको बाद में माल बेचना है, लेकिन डर तो ये लग रहा होगा कि दाम ऊपर जाएंगे, मौजूदा लेवल पे भी रहेंगे या नहीं रहेंगे, अगर गिर गए तो शॉर्ट पोजीशन के जरिए कमाई हो जाएगी। तो ये हेजिंग का जो जरिया है इसको आपको समझना पड़ेगा और उसी के तौर पर इस्तेमाल करना पड़ेगा। और जो टूल्स मौजूद है आपके पास, हल्दी, जीरा, धनिया, फ्यूचर्स के साथ साथ ऑप्शंस के भी कॉन्ट्रैक्ट मौजूद है, और जीरा में तो अब मिनी का भी वायदा है, जो छोटे ट्रेडर हैं, किसान हैं, कारोबारी हैं, उनके लिए भी अपना विकल्प आ गया है, 1 मीट्रिक टन का है, वहाँ उसके जरिए भी हेजिंग कर सकते हैं। किशोर, जीरा मिनी के बारे में बताइए, जीरा मिनी नया कॉन्ट्रैक्ट आ गया, छोटे कारोबारी और किसान इसके जरिए कैसे हेजिंग कर सकते हैं, क्योंकि 1 मीट्रिक टन का कॉन्ट्रैक्ट है तो इनके लिए आसानी होगी, और कितना अच्छा कॉन्ट्रैक्ट साबित होगा आने वाले समय में? ये जब वॉल्यूम होता है तभी ये कॉन्ट्रैक्ट काम आते हैं, अभी तो वॉल्यूम ही बिल्कुल नहीं है। इन्होंने एक्चुअली ये गलत टाइम पे इन्होंने ये लॉन्च किया है। इन्हों को यदि लॉन्च करना था तो भी आपको करना था अप्रैल के अंदर, जब नया सीजन चालू होता, भाव भी नीचे होते, तो उस टाइम थोड़ा वॉल्यूम रहता। आज ये देखो जनवरी के बाद कॉन्ट्रैक्ट बंद होता है, अब जनवरी का कॉन्ट्रैक्ट चालू, मैं टाइमिंग के बारे में नहीं पूछ रहा था किशोर सर, मैं पूछ रहा था एक पहल, जो पहल हुई है, काफी समय से मिनी कॉन्ट्रैक्ट की मांग थी, अगर एंट्री हुई है बराबर। एक्चुअली क्या है,
कि भाव 600 के ऊपर चले गए, इसके लिए मिनी कॉन्ट्रैक्ट की मैंने जरूरत थी। लेकिन ये भी देखना पड़ेगा कि इसमें वॉल्यूम भी आना चाहिए ना, बिल्कुल वॉल्यूम तो है ही नहीं है, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट भी जनवरी में खत्म हो रहा है, उसके बाद नया सीधा मार्च में चालू होगा, तो उस टाइम में इन्होंने तो उनका थोड़ा बेनिफिट मिलता। बाकी मेरे को नहीं लगता कि ये कॉन्ट्रैक्ट इनको ज्यादा कोई बेनिफिट किसी को मिलने वाला है, क्यों कि ऑलरेडी माल तो सबके पास कमी है, किसान खाली है, व्यापारी खाली है, अब चलाएगा तो कौन चलाएगा? जब माल डिमिट होता है तभी उसमें हेज वाले आते हैं, बाकी अब तो कोई आएगा भी नहीं, ऑलरेडी माल सब रिमिट हो रहा है। ओके एक मैं कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से इंसिडेंट बात पहुंचाइए कि जब भी ये कोई भी कॉन्ट्रैक्ट चलाते हो, आप तेजी से कुछ भी करते हो या जो भी बाजार अप एंड डाउन होता है, तो उसके सबसे मेन पॉइंट होता है मार्जिन का। ये मार्जिन का इंप्लीमेंट होता है वो सबसे मतलब बड़ा ये फैक्टर काम करता है, उनके हिसाब से ये काम होता है, क्योंकि आप बाजार जब तेजी चलता है दोनों साइड आप मार्जिन इंप्लीमेंट सेम ही करते हो, या बाजार डाउन होता है तभी दोनों साइड आप मार्जिन सेम ही इंप्लीमेंट करते हो, ये सिस्टम बिल्कुल सही नहीं है, इनके ऊपर ध्यान देना होगा है, बिल्कुल तभी जाके वायदा के आपके अंदर जो वॉल्यूम सुझाव आएगा, है बिल्कुल अन्यथा पॉजिटिव तरीके से लिया जा रहा ये है, और हम एक्सचेंज तक इस बात को पहुंचाएंगे भी कि कैसे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी राय के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट में समय समय पे, हालांकि लोग बदलाव करते भी हैं, लेकिन पहल के तौर पे मैं इसे कह रहा था, जिस तरह की डिमांड थी, अगर मिनी आया है, हो सकता है कि इस कॉन्ट्रैक्ट में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स ना मिले, लेकिन आने वाले समय में जब अराइवल्स सीजन जब शुरू हो जाएगा, उसके बाद जब नए कॉन्ट्रैक्ट्स आपको दिखेंगे, आने वाले मार्च के कॉन्ट्रैक्ट दिखेंगे, अप्रैल के कॉन्ट्रैक्ट दिखेंगे, वहाँ पर इसकी डिमांड का पता लगेगा कि कितना अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, फिर आपको बेहतर तरीके से आप इस कॉन्ट्रैक्ट को समझ पाएंगे। हमारे साथ भास्कर शाह भी है। भास्कर जी, आप एक्सपोर्टर है, इम्पोर्टर है, हम इस पर आपसे राय जरूर लेना चाहेंगे कि कैसे आप इस उतार चढ़ाव के बाजार में अपने रिस्क को कम करें, लेकिन उससे पहले मैं एक फंडामेंटल्स को समझना चाह रहा हूँ कि मसाला इंडस्ट्री के लिए बड़े फंडामेंटल्स कौन कौन से होते हैं। किशोर साहब, आपसे ही मेरा सवाल होगा, जो मसाला कारोबारी है, जो किसान है, उनको किन किन खबरों को, किन किन ट्रिगर्स पॉइंट्स को, कौन कौन से फंडामेंटल्स ऐसे हैं जो मसाला की कीमतों पर असर डालते हैं, वो बता दीजिए आप। किशोर साहब, आपसे मेरा सवाल था। एक बार वापस रिपीट कीजिए सर। मेरा सवाल आपसे हाँ था कि जो मसाले मसालों पर किन किन खबरों का सबसे ज्यादा असर होता है, कौन कौन से ऐसे ट्रिगर है जिनको ध्यान में रखना चाहिए किसी भी कारोबारी को, किसान को। अच्छा, इसमें क्या है, जैसे व्यापारी हो या कोई भी हो, सबसे पहले तो ये मैं कहना चाहूंगा, यदि वायदा से रिलेटेड ये है तो उनको मतलब जैसे ही भाव 300 से ऊपर, जैसे 22 बार गए, 600 भाव 650 तक पहुंच गए, तो ऊपर के भाव में उनको से व्यापारी हो एक्सपोर्ट हो सबको एक हेज करना चाहिए। एक भाव की लिमिट होती है, जब कभी भी भाव 40 से 50% बढ़ जाए तो अपना प्रॉफिट सेव करने के लिए उसमें हेज का टूल अपनाना चाहिए। यदि वो अभी हेज नहीं करता है तो जैसी आज हालत हुई है वो हालत इन फ्यूचर में भी हो सकती है, सभी कमोडिटी में हो सकती है, इसके हिसाब से हेज करके चलना चाहिए, ये सबसे अच्छा रहेगा, चाहे फार्मर हो, व्यापारी हो, एक्सपोर्ट हो, ट्रेडर हो, कोई भी भाव एक दाम से इतना यदि 25 से 50% बढ़ते हैं तो उसमें हेज करके चलना चाहिए, तो वो सेफ हो जाएगा, मेन तो ये फैक्टर रखना चाहिए। दूसरी बात ये रहेगी, यदि आप ट्रेड कर रहे हो तो उसके अंदर यही है कि एनसीडेक्स के अंदर डिलीवरी लेना और डिलीवरी देना, ये दोनों सब्जेक्ट उसके ध्यान में रखकर काम करना चाहिए, तभी जाके उसका ट्रेड एकदम फेयर होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो इन बातों का ध्यान में रखना चाहिए अगर आप मसाला कारोबारी है। वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम लौटेंगे तो बात करेंगे कि कैसे मार्केट पार्टिसिपेंट्स को इन्वेंट्री मैनेजमेंट में ये वायदा बाजार का टूल्स आपके लिए मदद कर सकता है, डिलीवरी की प्रक्रिया क्या होती है, कैसे आप एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म के जरिए डिलीवरी भी ले सकते हैं, तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे ब्रेक के बाद। बार आपका स्वागत है, और हम बात कर रहे थे मसाला इंडस्ट्री के लिए वायदा बाजार के अहमियत की। अब अगला सवाल मेरा होगा कि कमोडिटी डेरिवेटिव कैसे मार्केट पार्टिसिपेंट्स को इन्वेंट्री मैनेजमेंट में मदद करता है। अरुण जी, आप बताइए कैसे इन्वेंट्री मैनेजमेंट में वायदा बाजार का टूल्स मदद कर सकता है। विष्णु जी, देखिए जो भी अगर हम ट्रेड की बात करें तो जो प्रोसेसर होता है या जो यूजर होता है कमोडिटी का, उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ये होता है कि वो कितनी इन्वेंट्री लेके चले। तो अमूमन हमने देखा है कि कुछ महीने की इन्वेंट्री आप कैरी करते हो, अगर उससे ज्यादा माल अगर आप फिजिकल में परचेज करोगे तो आपका पूरा फंड ब्लॉक हो जाएगा और आपके फंड जो है उसके कॉस्टिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, साथ में आपको वेयरहाउसिंग एक्सपेंसिस वो सब चीजें भी देखनी पड़ेंगी। तो उसके अंदर जो है वायदा जो है उसको आप बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं।
जैसे मान लीजिए मैं उदाहरण के तौर पे बताऊं, आज यदि जीरे का किसी को मार्च का जो है अगर अपना व्यापार करना है कोई एक्सपोर्ट का, हाजिर का, तो अगर एक्सपोर्ट का व्यापार करना तो उसे नहीं पता कि उसको मार्च के महीने में क्या भाव पे जीरा मिलेगा। तो उसके लिए दो चीजें हो सकती है, या तो आज वो जीरा खरीद के रख ले अपने पास में और उस जीरे को खरीद के वो तब तक रखे जब तक मार्च का महीना नहीं आ जाता है। अब उसके अंदर दिक्कत क्या है कि आज का जो जीरा है वो मार्च के में जो भाव है उससे महंगा है आज की तारीख में। अगर मैं आज मार्च के वायदे की बात करूं तो 31,000 के आसपास चल रहा है, और अभी का जो वायदा है वो 35,000 के अराउंड अप्रोक्सीमेटली चल रहा है, तो वो भी मैं नहीं कर सकता हूँ। तो यदि मुझे किसी को ये बताना हो या मुझे कोई मार्च का एक्सपोर्ट का सौदा करना हो तो मेरे पास कोई तरीका नहीं है। अगर मैं देखूं, या तो मैं मार्च में जाके माल खरीदूं, उस केस में क्या होगा, यदि बाजार तेज हो गया तो, जैसा पिछले साल हुआ था, बाजार अचानक से बढ़ना शुरू हो गया था, तो देखिए भाव प्रिडिक्ट करना किसी के हाथ में नहीं है। तो उसके अंदर एक सेफ तरीका क्या हो सकता है, मैं मार्च का वायदा आज खरीद लूं। जैसे मान लीजिए मुझे 1,000 टन का एक्सपोर्ट ऑर्डर है, तो मैंने 1,000 टन का वायदे में बाइंग पोजिशन बना ली, और जब मार्केट में अराइवल आया उस समय पे मैंने हाजिर से बाजार से माल खरीद के और वायदे में अपनी पोजिशन स्क्वेयर ऑफ कर ली। तो एक प्रकार से उस समय मैंने इन्वेंट्री खरीदी और वायदे में मैं स्क्वेयर ऑफ करता चला गया, और मेरे भाव वही रहेंगे जो मैंने आज तय किए हैं। तो उस हिसाब से मैं अपने एक्सपोर्टर को, यानी जो मेरा एक्सपोर्ट ऑर्डर है, उसको भी मैं आज भाव बता सकता हूँ। अगर यहाँ वायदा ना हो तो मेरे पास कोई तरीका नहीं है कि मैं अपने एक्सपोर्ट का ऑर्डर आज तय कर पाऊँ। केवल एक ही तरीका है, वो ये है कि मैं या तो माल आज लेके रख लूं, या मैं भगवान भरोसे ये मान के चलूं कि जी क्रॉप अच्छी है और बाकी चीजें हैं तो शायद उस समय तक भाव कम हो जाएगा। तो वैसा हो जाएगा ऐसा कोई निश्चित नहीं है, कोई निश्चित तौर पर ये चीज नहीं कह सकता है। तो इसीलिए एक तो ये चीज है इसमें फ्यूचर आपकी हेल्प करता है, दूसरा जो है जब सीजन शुरू हो गया तो हमने देखा जितने भी लोग जो यूजर हैं या प्रोसेसर हैं, वो ऐसा नहीं है कि आप पूरे साल की इन्वेंट्री एक साथ ले सकते हो। आप 1 महीने की, 2 महीने की, 3 महीने की जनरली लोग इन्वेंट्री ज्यादा से ज्यादा कैरी करते हैं, उससे ज्यादा आप इन्वेंट्री कैरी नहीं करते हो, यानी उससे ज्यादा माल आप अपने पास नहीं रखते हो। तो उसके लिए आपका वायदा जो है वो बहुत अच्छी टूल है। आप ये कर सकते हो, जितना आपको कुछ माल जो रखना है वो आप रख लीजिए आपकी इमीडिएट नीड के लिए, और उसके आगे के लिए आप फिजिकल मटेरियल या माल रखने की बजाय आप उतना वायदे में पोजीशन ले लीजिए, और जैसे जैसे आपकी आवश्यकता है आप वायदे में पोजीशन अपनी स्क्वेयर ऑफ करके या काट के उतना फिजिकल लेते जाइए। तो आपका जो फंड यूटिलाइजेशन है वो काफी इंप्रूव हो जाएगा। आपको पूरा पैसा इमिडिएटली नहीं लगाना पड़ेगा फिजिकल, या जिसे कहते हैं हम अपने माल को, सामान को लेके रखने के लिए, और जब आपको जरूरत होगी, जब आपको एक्सपोर्ट करना होगा, धीरे धीरे उस समय पे आप परचेज करके और वायदे में अपनी पोजिशन काट सकते हैं। तो इस प्रकार से यदि हम देखें, तो अगर मान लीजिए मुझे हर महीने 1,000 टन का एक्सपोर्ट करना है, तो मैं 1 या 2 महीने की इन्वेंट्री लेके और बाकी आगे की जो पोजिशन मैं वायदे में ले सकता हूँ, और धीरे धीरे जब मुझे एक्सपोर्ट करना होगा उस समय मैं वायदे में अपनी पोजिशन काट के और फिजिकल से इन्वेंट्री ले सकता हूँ। तो मेरा जो प्राइस है वो मैं आज ही फिक्स कर सकता हूँ अगले आने वाले 6 8 महीने साल भर के लिए। और ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, देखिए स्पाइसेस जैसे कमोडिटी में, जहां हमने देखा है कि पिछले 1 साल में काफी सारी स्पाइसेस है जिनके भाव लगभग डबल हो गए। तो अगर आप टर्मरिक की बात करें, हल्दी की बात करें, तो भाव लगभग दुगने हो गए थे पिछले साल। धनिये में, जीरे में भी लगभग यही हुआ, जहां लोग मान रहे थे कि बहुत बड़ी फसल आई है पिछले साल, भाव शायद नहीं टिक पाएंगे, वहां 30,000 के भाव 60,000 हो गए, जो कभी किसी ने नहीं देखा था। तो देखिए प्राइस किसी के कंट्रोल में नहीं है, और प्राइस की प्रेडिक्टेबिलिटी ना के बराबर होती है। आप शायद शॉर्ट टर्म में कुछ हद तक ये कोशिश कर सकते हैं कि मैं प्राइसेस को प्रिडिक्ट करूं, लेकिन लॉन्ग टर्म में प्राइसेस प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, और उसके बेस पे कोई भी बिजनेस डिसीजन लेना और भी ज्यादा मुश्किल है। तो जितना ज्यादा आप लॉन्ग टर्म डिसीजन लेंगे वो उतना ज्यादा घातक हो सकता है, अगर आपने रिस्क मैनेजमेंट नहीं कर रखा है। तो अगर आप वायदे को इस्तेमाल करेंगे तो आपकी इन्वेंटरी मैनेजमेंट के साथ साथ आपका प्राइस रिस्क मैनेजमेंट दोनों चीजें हो जाएंगी, और साथ में आप एक्सचेंज से, यदि आपको लगता है कि एक्सचेंज में माल सस्ता है किसी महीने में, तो आप यहां से डिलीवरी भी ले सकते हैं। इस रिस्क मैनेजमेंट के साथ साथ आपकी इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी वायदा बाजार के जरिए संभव है। अब किशोर साहब, आपसे मेरा सवाल होगा, आने वाले सीजन के लिए एक्सपोर्ट का मसाले लो के एक्सपोर्ट को लेकर क्या आउटलुक है? हाँ जी, जो इस बार क्या है कि एक्सपोर्ट थोड़ा कम गया इस साल, क्योंकि भाव की रेंज नीचे के हिसाब से कम गया। तो आने वाले समय में फॉरेन के अंदर भी कहीं भी माल कम है, चाइना हो गया, चाहे टर्की, सीरिया, वहां भी नया क्रॉप तो जुलाई में आएगा। तो इस सीजन में इंडिया का जो क्रॉप रहेगा अप टू जुलाई, जुलाई तक अपना इंडिया से ही एक्सपोर्ट होना है, चाहे वर्ल्ड की कोई भी कंट्री हो, इंडिया में हो चाहे कहीं भी हो, सब माल यहाँ से ही जाना है, उसकी भरपाई इंडिया ही करेगा। तो आने वाले समय में अच्छा एक्सपोर्ट अच्छा रहने की उम्मीद है, और भाव जितने भी नीचे रहेंगे उतना एक्सपोर्ट ज्यादा जाएगा, डिपेंड रहेगा भाव के ऊपर। एक्सपोर्ट मार्केट का आउटलुक भी आपने समझा। अब आखिरी सवाल अरुण जी आपसे मेरा ये होगा, डिलीवरी के मैकेनिज्म को लेकर, डिलीवरी की प्रक्रिया किस तरह की होती है, कारोबारियों के लिए कितना फायदेमंद है, क्योंकि कोई भी कारोबारी जब माल खरीदे और एक्सचेंज से
जब उनको एक तय और एक स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट अगर उनको मिल जाए एक्सचेंज के वेयर हाउसेस के जरिए, तो इसमें क्या, इससे बेहतर क्या हो सकता है किसी भी कारोबार के लिए? तो पूरी प्रक्रिया क्या है डिलीवरी की, ये समझाएं हमारे दर्शकों को आप। एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे जो भी डिलीवरी होती है वो एक स्टैंडर्ड के हिसाब से होती है, जिसके स्पेसिफिकेशन आपको एनसीडेक्स की वेबसाइट पे या एक्सचेंज की वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगे, और वो जो मानक तय है उसी मानक के हिसाब से डिलीवरी होती है। अब देखिए, हर आदमी जो एक्सचेंज में काम करता है जरूरी नहीं कि वो डिलीवरी लेने चाहे, लेकिन यदि कोई चाहता है कि उसकी डिलीवरी मिले तो वो लास्ट डे तक, यानी कि जो एक्सपायरी का समय होता है जो अक्सर हमारे यहाँ पर 20 तारीख होती है, तो उससे 5 दिन पहले से डिलीवरी पीरियड चालू होता है। यानी आप ये मान सकते हैं कि 16 तारीख से लेके 20 तारीख तक डिलीवरी पीरियड होता है। उसके अंदर आप यदि अपनी पोजीशन को बाइंग रखते हैं, यानी आपकी आपकी बाइंग पोजीशन खड़ी है, तो आपको डिलीवरी 16 तारीख से लेके 19 तक आ सकती है, और 20 को यदि आपकी पोजीशन खड़ी है तो आपको डिलीवरी, यानी आपकी बाइंग पोजीशन एक्सचेंज में है तो आपको डिलीवरी आ जाएगी, या तो आपको डिलीवरी आएगी, और यदि डिलीवरी नहीं आई तो आपको एक पेनल्टी मिलती है। लेकिन हमने ये देखा है कि 99% से ज्यादा केसेस में अक्सर डिलीवरी होती है, ऐसा नहीं होता है कि कोई डिलीवरी का डिफॉल्ट हो जाए, 99% से ज्यादा केसेस में डिलीवरी होती है एक्सचेंज के अंदर, तो सेलर डिलीवरी छोड़ के जाता है, अदरवाइज के ऊपर काफी हैवी पेनल्टी है। अब एक बार आपको डिलीवरी मार्क हो गई तो पूरा जो सिस्टम है वो मतलब पूरा सिस्टमेटिक प्रोसेस है, उसके अंदर आपको डीमेट अकाउंट में, यानी जिस प्रकार से आपका इक्विटी में डीमेट अकाउंट होता है, उसी प्रकार यहाँ पर आपका जो है रिपोजिटरी अकाउंट होता है, जिसे हम रिपोजिटरी अकाउंट बोलते हैं, उसके अंदर आपको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डिलीवरी आएगी। अर्थात आपको ये पता चल जाएगा कि मुझे कितना टन माल आया है, कौन सी लोकेशन से आया है, कौन से वेयरहाउस से आया है, और उसका क्वालिटी ग्रेड क्या है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद में आप उस माल को रीमटेरियलाइज कराएंगे। रीमटेरियलाइज कराने का मतलब है कि आपका जो रिपोजिटरी पार्टिसिपेंट है उसके पास आप पेपर लेकर जो है आप जाएंगे और बताएंगे कि भाई मुझे इतना माल की डिलीवरी एक्सचेंज के सिस्टम से आई और मुझे वो माल फिजिकली विड्रॉ करना है, यानी मुझे उसको लेकर जाना है। आप जैसे ही वो जमा कराएंगे आपको वो रीमेट पेपर देगा, जिसको आप स्वयं या आपके जो भी वहां पर जिस वेयरहाउस से माल आया, आपके अगर वहां रिप्रेजेंटेटिव कोई है तो उनके थ्रू आप वहां पर पेपर जमा कराकर अपने माल को ले सकते हैं। अब इसके अंदर दो चीजें हैं, एक जो लोगों को ये हो सकता है कि भाई मैं वहां से माल ले रहा हूं तो मुझे क्वालिटी कैसे इंश्योर होगी, तो उसके लिए एक्सचेंज में क्लियरिंग कॉर्पोरेशन जो है NCCL जो है वो इस चीज का ध्यान रखती है कि जो भी माल लग रहा है वो एक्सचेंज के मानकों के ऊपर लग रहा है, और यदि बायर को उसके बाद भी ऐसा लगता है कि मुझे अपने माल की जांच करानी है, मुझे लग रहा है कि मुझे जो माल मैं लेना चाह रहा हूं मैं उसको एक बार दोबारा जांच कराना चाह रहा हूं, तो आप चाहे तो माल को उठाने से पहले आप उसको रीमेट टेस्टिंग, जैसे हम कहते हैं रीमेट सैम्पलिंग बोलते हैं, उसके लिए आप डाल सकते हैं, और आपके माल की एक थर्ड पार्टी लैब के अंदर टेस्टिंग होगी, जिसकी रिपोर्ट आएगी तो आपको ये पता चल जाएगा कि माल की क्वालिटी वही है जो आपको मिली है। अगर कोई डेविएशन पाया जाता है, मान लीजिए वैसे तो अगर हम आंकड़े देखें तो डेविएशन ना के बराबर होता है, लेकिन फिर भी अगर होता है तो आप उसके लिए आपको कंपनसेट किया जाएगा। ओके, यानी आपने पूरी तरह से समझा दे कि डिलीवरी की प्रक्रिया क्या होती है, कैसे आप डिलीवरी ले सकते हैं, साथ ही आपने इन्वेंट्री मैनेजमेंट से लेकर प्राइस रिस्क मैनेजमेंट तक की पूरी बातें की, और मसाला इंडस्ट्री के लिए क्या फंडामेंटल्स है, एक्सपोर्ट मार्केट का क्या आउटलुक है, पूरा सब कुछ आप लोगों ने समझा दिया। किशोर शाह जी आपका और अरुण यादव जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों को जागरूक करने के लिए। तो इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।